मैडम साथ में रहना चाह रही है पवन सिंह के आप? मैडम आपके वकील के द्वारा कहा गया कि आप साथ में रहना चाह रही है अभी? और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पद में रहने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के तलाक पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल कोर्ट ने इन दोनों को और समय देने का फैसला किया है। बंद कमरे में पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। वहीं बाहर निकलने के बाद मीडिया से पवन सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वो मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। वहीं सूत्रों की माने तो ज्योति सिंह ने पवन सिंह के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया है। जी हां, आपको बता दे कि आज आरा के कोर्ट में पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की पेशी हुई थी। उनके तलाक पर फैसला आना था, लेकिन वकील की तरफ से ये बयान सामने आया है कि कोर्ट ने अभी उनको और समय देने का फैसला किया है। लगभग बंद कमरे में 20 मिनट तक उनकी बातचीत हुई, लेकिन अब तक निष्कर्ष नहीं निकला। वहीं पवन सिंह ने इस मामले पर अब तक चुप्पी साधी हुई है। वो मीडिया से कुछ भी कहने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बात हुई पवन सिंह और ज्योति सिंह पहुंचे? आज रिकंसिलेशन का समय था और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। दोनों पक्ष क्या कहा गया है दोनों तरफ से? दोनों पक्ष ने कहा, पवन सिंह का कथन था कि हम ज्योति सिंह को अपने पत्नी के रूप में नहीं रखेंगे, और ज्योति सिंह ने कहा कि न्यायाधीश महोदय ने कहा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुधा क्या दिखता। ठीक है, धन्यवाद सर। सर रुके। सर बताया जाए आज क्या क्या हुआ? आज रिकंसिलेशन का डेट था। ज्योति सिंह और पवन सिंह दोनों न्यायालय में आए हैं, और दोनों को न्यायाधीश महोदय अपने चेंबर में बैठा कर समझाने का प्रयास किए, और दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने के लिए तैयार नहीं है। तो न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप लोग को एक मौका दिया जाता है, इस बीच आप लोग आपस में सेटलमेंट कर लीजिए, और वन टाइम सेटलमेंट करके आप दोनों अलग अलग देखकर उनकी पत्नी करेगी रहना चाहती हैं या इस तरीके को? आज उन्होंने न्यायाधीश के पक्ष में कहा कि मैं इनके साथ नहीं रहूं। तो मतलब तलाक फाइनल है? फाइनल। अब दोनों के बीच में एक मौका दिया गया है, और उस मौका पर दोनों आपस में बात कर लेंगे कि आखिर तलाक जब किया जाएगा तो ज्योति सिंह के जीवन के लिए कौन सी व्यवस्था की जाए, मुआवजे वगैरह। हाँ, तो वो व्यवस्था होने के बाद दोनों पति पत्नी अलग। सर सर सर, आप पवन सिंह के वकील हैं जी, क्या कारण है कि पवन सिंह तलाक? देखिए, दोनों की विचारधारा अलग अलग है और एक दूसरे से विचार मिल नहीं पा रहा है, इसलिए दोनों अलग अलग रहने के लिए तैयार। अगला डेट का? अगला डेट तो हम अभी नहीं बता सकते, कंफर्म करके बताएं। अगला डेट क्या नाम है सर? हमारा नाम सुधांश। आप कौन? पवन सिंह। क्या दिखाओ?